अगर आप एकदम बीस मोड फ्रेग्रेंस जो 24 घंटे तक आपके स्किन पर रुके और ऐसा फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, तो ये दोनों परफ्यूम्स या फिर अतर या परफ्यूम ऑयल जरूर ट्राई करना पड़ेगा। एक समर के लिए है और दूसरा विंटर के लिए है। तो सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यासस देसी फ्रैग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे पांच इत्र जो आफिया की तरफ से आता है। आफिया के परफ्यूम्स के बारे में बहुत बार कर चुका हूं मेरे चैनल पर, इंग्लिश चैनल पर भी आप देख सकते हैं। ये क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उनके ब्लेंड्स भी एकदम तगड़ा रहता है। आप मेरे दूसरे वीडियो जरूर देखना, जो मेरा सबसे फेवरेट है उनके बारे में भी बात किया हूं। आज हम पांच ऐसे इत्र के बारे में बात करेंगे जो उनका नया रिलीज है, और शुरू करते हैं मेरा सबसे फेवरेट जिसका नाम है कैलीग्राफिक वेटिवर। ठीक है, ये हैंड रिटन है इसलिए शायद आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये नाम तो वेटिवर है लेकिन टिपिकल खस तो नहीं कहूंगा, इत्र का रंग से भी बता सकते हैं। खस जनरली ग्रीन कलर का होता है, ये वाला ग्रीन नहीं है, यहाँ पे वुडी एकॉर्ड ज्यादा है। खस ब्राउन में भी आता है, तो ये वाला थोड़ा सा वुडी टाइप का खस है लेकिन पूरा खस की तरह स्मेल नहीं करता है। तो ये याद रखे, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ब्लेंड तो एकदम बढ़िया है दोस्तों, मुझे सीधा अजमल का ऊद हयाती का याद दिलाया था। बहुत ही प्यारा ब्लेंड है अजमल की तरफ से, बहुत पहले मैंने रिव्यू किया था ऊद हयाती, इसका पूरा नाम है दहनल ऊद हयाती। 6 ml का आपको 1000 के आसपास आ जाएगा। बॉक्स भी कुछ इस तरीके का आता है, यहाँ पे ये इत्र को प्लेस करते हैं। तो ये हुआ अजमल हयाती। मुझे कैलीग्राफिक वेटिवर जो है उसका ड्राई डाउन सीधा अजमल हयाती का ही याद दिलाया था। मैं इसको अजमल हयाती का क्लोन बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने अजमल हयाती यूज़ किए हैं और अजमल हयाती पसंद है तो ये आपको 99% पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राई डाउन एकदम अजमल हयाती का ही याद दिलाया था मुझे। एकदम क्लासिक सीडरवुड मस्क सैंडलवुड का ब्लेंड, ओपनिंग में आपको थोड़ा सा खस का एहसास दिलाएगा लेकिन ये टिपिकल रूह खस वाला फील बिल्कुल नहीं देगा। ये एकदम वुडी टाइप खस है, यहाँ पर थोड़ा सा इंसेंस टाइप भी है लेकिन सीडरवुड सैंडलवुड और मस्क का इस्तेमाल बहुत प्यारी तरीके से बनाया है। परफॉर्मेंस बाप रे बाप, 5-6 घंटे तक मुझे इसका प्रोजेक्शन महसूस हो रहा था, और आराम से 14 से 18 घंटे तक मुझे इसका लास्टिंग स्किन पर लगा दोस्तों। तो कपड़ों पर 24 घंटे के ऊपर आराम से निकल जाएगा, लेकिन ये बात याद जरूर रखना, जो भी फ्रेग्रेंस में टेस्ट करता हूँ इंडोर्स में ही टेस्ट करता हूँ, बाहर घूम के टेस्ट नहीं करता, क्योंकि टेस्ट करने का मतलब ही नहीं बनता, धूप में कोई भी परफ्यूम्स जल्दी उड़ सकता है, तो ये बात याद रखना। लेकिन अगर ये इंडोर्स पे 14 से 18 घंटे तक टिक सकता है, तो अगर बाहर घूमना भी हो तो 8 से 10 घंटे आपको मिलना ही चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप सेंस नहीं कर पाएंगे नोज फटी की वजह से, वो बात तो बिल्कुल अलग है, लेकिन लास्टिंग के मामले में मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है। मेरे भाई को ये बहुत पसंद आया था, आधा उसने उठा लिया दूसरे बॉटल पे लगा के, उसको बहुत पसंद आया था, वो भी यही कह रहा था कि परफॉर्मेंस इसका एकदम तगड़ा। ब्लेंड वाइज तो पूछ ही मत, ये मेरा सबसे फेवरेट है ये पांच परफ्यूम में से। कैलीग्राफिक वेटिवर नाम से जरूर ट्राई करना। इसका दाम आता है 6 ml का 800 रुपये के आसपास, तो आप वेबसाइट पे जरूर चेक कर सकते हैं। पूरा परचेस लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर इंटरेस्टेड है तो वहां से खरीद सकते हैं। नंबर 2 पे आएगा मैस्कुलिन मस्क। ये आपको अजमल का मस्क रिजाली का ही याद दिलाएगा, बहुत प्यारी तरीके से बनाया है। ये आपको 650 to 690 rupees के बीच में आएगा। अजमल मस्क रिजाली अगर आप ट्राई किए हैं तो ये बहुत ही सिमिलर है, एकदम लाइट एरी क्यूमिन टाइप, लाइट लेदरी टाइप, जो इंसान का स्किन का खुशबू होता है वो टाइप का स्मेल है यहाँ पे, जो टिपिकल अजमल मस्क रिजाली ही बोलते हैं। कुछ लोगों को ये टाइप का स्मेल समझ में नहीं आता है, अगर समझ में नहीं आता है तो इसका लास्टिंग भी आपको महसूस नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये लास्ट नहीं करता। मुझे ये भी आराम से 10 से 11 घंटे तक टिका था, तो ये बात जरूर याद रखना, अगर मस्क रिजाली अजमल का आप सेंस नहीं कर पाते हैं तो ये भी सेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक इनविजिबल टाइप मस्क होता है, लेकिन जो लोग सूंघ सकते हैं जो लोग इसको समझ सकते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया लास्टिंग देगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को लास्टिंग नहीं देगा लेकिन वो महसूस नहीं कर पाएंगे, ये
मस्क रिजाली का जो भी डीएनए होता है वो उसका एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो समझ सकते हैं उनके लिए ये बहुत तगड़ा लास्टिंग देता है। तो उनका एक और मस्क है जिसका नाम है प्राइवेट मस्क, लेकिन ये इंडिया में बंद कर चुके हैं क्योंकि ये इससे थोड़ा सा लाइटर है। यहाँ पे जो क्यूमिन लेदरी मस्क वाला जो टोन है वो थोड़ा सा लाइट करके थोड़ा सा फ्लोरल लोड ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन मैस्कुलिन मस्क में थोड़ा सा वो डार्क और थोड़ा सा एविडेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा लैवेंडर क्यूमिन मस्क वो थोड़ा सा ज़्यादा एविडेंट है, यहाँ पे बहुत ही लाइट है, इसलिए आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा। ये शायद डिसकंटिन्यू भी कर चुके हैं क्योंकि ये सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए रखे हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत चलता है। इंडिया में आप तो जानते ही हैं, सब लोग लास्टिंग प्रोजेक्शन बोल के रोते रहते हैं, तो इंडिया के लिए सिर्फ मैस्कुलिन मस्क ही रिलीज़ किए हैं। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइवेट मस्क मत खरीदना, आप मैस्कुलिन मस्क ही खरीद लेना, क्योंकि ये आपको परफॉर्मेंस में ज़्यादा महसूस दिलाएगा, क्योंकि ये उतना एविडेंट नहीं है, ये एविडेंट ज़्यादा है। लेकिन लास्टिंग के मामले में मुझे दोनों भी 10-11 घंटे तक ही टिका था। जैसे मैंने कहा, अगर मस्क रिजाली आप समझ नहीं सकते हैं तो ये दो फ्रेग्रेंस भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो समझ सकते हैं ये दोनों फ्रेग्रेंस आपको समझ में आएगा। दोनों भी मुझे सेम लास्टिंग दिया था, लेकिन मैस्कुलिन मस्क जो भी है वो थोड़ा ज़्यादा एविडेंट है नाक को समझने में। तो चलिए नंबर 4 पे जाते हैं। एकदम बीस्ट मोड है समर के लिए, जिसका नाम है रॉयल मस्क तहारा। यहाँ पे जो हैंड रिटर्न है वो थोड़ा सा मिट गया है, इसका नाम है रॉयल मस्क तहारा। मस्क तहारा एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, एकदम थिक क्रीम बॉडी लोशन जैसा रहता है, और बाप रे बाप, ये तो 24 घंटे तक मेरा स्किन पे टिका था दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये इसका थिकनेस देख लीजिए आप, ठीक है, इसका थिकनेस देख लीजिए, एकदम थिक बॉडी क्रीम जैसा है, और ये लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये दूसरे अतर की तरह स्प्रेड नहीं होता है। तो थोड़ा सा फिंगर टिप्स में लगाइए, और आर्मपिट्स और इनर एल्बो थोड़ा सा यहाँ पे, और अगर आप पूरे बॉडी पे थोड़ा थोड़ा लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। समर के लिए एकदम तगड़ा परफॉर्मिंग वाला इतर है ये। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बहुत थिक है, इसलिए 1200 के आसपास आपको मिल जाएगा, 6 ml, यानी कि 1200 के आसपास 6 ml का आता है। लेकिन ये इतना थिक है कि आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत लंबी समय तक टिकता है स्किन पर। मुझे 24 घंटे तक इसका महसूस हो रहा था, बाप रे, मैं तो थक ही गया था, ये लास्टिंग कभी निकलेगा भी नहीं। अगर आप पानी से धोते हैं तो भी नहीं निकलेगा, शैम्पू सोप जो भी है वो लगा के घिसड़ना पड़ता है, इतना थिक है। लेकिन बहुत प्यारा परफ्यूम है, ये भी एक मस्क बेस्ड ब्लेंड ही है, लेकिन मैस्कुलिन मस्क से थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे व्हाइट फ्लोरल का नोट ज़्यादा महसूस होता है, और वो क्यूमिन स्पाइसी ने लेदरी वाला फील यहाँ पे नहीं आएगा। जिनको व्हाइट फ्लोरल मस्क पसंद है वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मस्क तहारा बाय आफिया परफ्यूम्स, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, आपको थोड़ा सा रोज का भी महसूस दिलाएगा, लेकिन रोज फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, थोड़ा सा व्हाइट फ्लोरल के साथ थोड़ा सा रोज का एक टच महसूस होगा, लेकिन बहुत ही प्यारा परफ्यूम है। ड्राई डाउन एकदम तगड़ा, एकदम मस्की मैस्कुलिन स्किन जो स्मेल है, एकदम फ्रेश स्किन का जो स्मेल है, वो टाइप का स्मेल आपको महसूस होगा। अगर एकदम हैवी धूप, हैवी समर्स में अगर आप ऐसे फ्रेग्रेंस लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों। तो रॉयल मस्क तहारा कॉमन सा ब्लेंड है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आफिया वाले क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। नंबर लास्ट पे, यानी कि 5वां नंबर पे आएगा संताल रॉयल। ये मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये टाइप का ब्लेंड बहुत लोगों को पसंद आता है। यहाँ पे जो सैंडलवुड का नोट है उसके साथ थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न स्टाइल, यानी कि अमवाज स्टाइल स्पाइसी नोट भी महसूस होता है। अमवाज में जो क्यूमिन स्पाइसीनेस और जो कैरेट सीड्स का इस्तेमाल करते हैं वो वाला फील मुझे यहाँ पे महसूस हुआ था। पर्सनली वो वाला फील मेरा फेवरेट नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आने का चांस है। मेरे भाई को तो ये ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि उसको वो टाइप का स्पाइसी अकॉर्ड बहुत पसंद है। आप अजमल का सैंडल गोल्ड या फिर हसन ऊद का सैंडल हसन,
वो टाइप का सैंडलवुड नोट मुझे यहाँ पे महसूस हुआ था। एग्जैक्ट क्लोन तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल फॉर्मुलेशन ही थोड़ा अलग है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनाया है स्पाइसी नोट के साथ सैंडलवुड, वो मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आ सकता है। क्योंकि मैंने बहुत बार ये सुना था कि सैंडलवुड बहुत लोगों को पसंद आया था, और हसन ऊद का सैंडल हसन भी बहुत लोगों को पसंद आया था। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बहुत तगड़ा है। 3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन और 10 घंटे तक इसका लास्टिंग। ओवरऑल थोड़ा स्पाइसी सैंडलवुड है, जैसे मैंने कहा मिडल ईस्टर्न अमवाट स्टाइल स्पाइसी, और बेज में सैंडलवुड मस्क और एम्बर। ये हुआ 6 इतर जो आफिया की तरफ से आता है, सॉरी 5 इतर जो आफिया की तरफ से आता है। अभी ये 5 फ्रेग्रेंस में से आप कोई भी फ्रेग्रेंस ट्राई किए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा लगा फेवरेट। मुझे तो जैसे मैंने कहा मेरा नंबर 1 फेवरेट कैलीग्राफिक वेटिवर, क्योंकि ये सीधा मुझे अजमल ऊद हयाती का ड्राई डाउन का याद दिलाया था। ओवरऑल टॉप नोट भी बहुत ही तगड़ा था, परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया। दूसरा जो है मैस्कुलिन मस्क, लेकिन अजमल मस्क रिजाली जैसे ही लगता है, कुछ यूनिक नहीं है। और तीसरा रॉयल मस्क तहारा। ठीक है, तो ये 3 मेरा फेवरेट है। मेरे टेस्ट के हिसाब से खरीदना चाहते हैं तो ये 3 मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, जुड़े रहिए चैनल पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।